काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितम्। केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रिजुगलध्यानावधानार्थिना किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। अपहरति मनो मे कोऽप्ययं कृष्णचौरः प्रणतदुरितचौरः पूतना प्राणचौरः वलयवसनचौरो बालगोपांगना नयनहृदयचौरः पश्यतां सज्जनानां। नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात भगवत तत्व पर कुछ विचार विमर्श होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला,
भज गिरधर गोविंद गोपाला लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक सप्ताह से मेरे कंठ ने विद्रोह कर दिया है, किंतु आप लोग केवल दो दिन के अतिथि हैं, मेहमान हैं, अतएव मैंने भी कंठ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अतएव आप मेरे कंठ पर विचार न करेंगे, मैं जो कुछ कहूंगा उस पर विचार करेंगे। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि तीन अनादि तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। और यह भी आप जानते हैं कि रसो वैसा रसग्वं हेवायं लब्ध्वा नंदी भवति। आप जो कुछ चाहते हैं वो उसको प्राप्त करके ही प्राप्त होगा। अर्थात जीवात्मा जब परमात्मा को प्राप्त करेगा तभी उसे अपना परम चरम राधांत परमानंद उपलब्ध होगा और तभी माया निवृत्ति होगी। ये भी आपको बहुत बार बताया गया है कि यद्यपि वह सुप्रीम पावर, वह भगवान दिव्य है, प्रेरक है, धारक है, शासक है, विभु है, हमारी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से अग्राह्य है, किंतु वो जिस पर कृपा कर देता है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः, वो कृपा पात्र भाग्यशाली जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। उस कृपा का भी आधार आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, उसकी कृपा उसकी शरणागति पर निर्भर है और वो शरणागति डायरेक्ट नहीं हो सकती, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के द्वारा ही होगी। किंतु एक प्रश्न केवल विचारणीय है, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो। इस एक प्रश्न को अब तक हम लोगों ने नहीं हल किया। अनंत जन्म बीते, अनंत बार मानव देह मिला, अनंत संतों के प्रवचन सुने, अनंत बार वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु यह निश्चय नहीं हो पाया कि वह भगवान कैसे मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम अभी उलझे हुए हैं, अभी हमारा कोई डिसीजन नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय होता है डिसीजन, निश्चय। जैसे हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, मैं हूं, तो यह ज्ञान सदा सर्वत्र एक सा रहता है। मैं हूं, जो मैं कल था वही मैं हूं, जो मैं सोकर स्वप्न देख रहा था वही मैं हूं,
जो मैं गहरी नींद में सुषुप्ति अवस्था में था वही मैं हूं। सर्वत्र सर्वदा आप मैं को रियलाइज करते हैं। इस प्रकार यदि आपका ज्ञान परिपक्व हो तब उसे वास्तविक ज्ञान कहना चाहिए। जिस ज्ञान में संशय हो, डाउट हो, वह ज्ञान ज्ञान नहीं। तो हमें अभी तक ऐसा परिपक्व ज्ञान नहीं उपलब्ध हुआ कि भगवान कैसे मिलेंगे, अथवा यूं कह लीजिए वो शरणागति कैसे की जाए। आप लोगों ने यहां हमारे विद्यार्थियों से भी बहुत सुना है, अन्यत्र भी आप लोगों ने तमाम संतों महंतों से सुना होगा, भगवान की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। जैसे समुद्र में नदियां अनेक मार्गों से होकर जाती हैं किंतु अंत में समुद्र में ही जाती हैं, इसी प्रकार अनेक प्रकार के मार्ग हैं भगवान में लीन होने के लिए, भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए, भगवान के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। किंतु मैं ऐसा नहीं मानता। भगवत प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है, दूसरा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अर्थात दूसरा मार्ग न था, न है, न होगा। अब तो कोई झगड़ा नहीं रहा, क्योंकि जब कई मार्ग होते हैं, किसी चौराहे पर आप खड़े हो, एक व्यक्ति कहे इधर से जाओ, एक व्यक्ति कहे बाएं तरफ से जाओ, एक कहे दाहिने तरफ से जाओ, तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है मैं किधर से जाऊं। तो यात्री अक्सर ये किया करते हैं, कुछ दूर गए सीधे और फिर लौट आए, अरे ये मार्ग ठीक नहीं लगता, फिर बाएं तरफ गए कुछ दूर, वहां से भी लौट आए, फिर दाहिने तरफ गए कुछ दूर, वहां से भी लौट आए, और इस लौटा लौटी में उसके शरीर की समाप्ति हो जाती है, टाइम पास हो जाता है। हर जन्म में हम लोगों ने यही किया, अन्यथा अगर एक सही मार्ग हमें ज्ञात होता और उसी पर चले चलते तो कितना ही लंबा रास्ता हो पार तो हो ही गया होता, क्योंकि हमारी आयु अनादिकाल से चल रही है, हम सनातन हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। अनंत जन्मों के चलने पर भी मंजिल तय नहीं हुई, आश्चर्य। और आश्चर्य यही है कि हमारा डिसीजन, हमारा निश्चय परिपक्व नहीं है। हां तो बस एक मार्ग है, अब आप लोगों को तीन मार्ग की भी आवश्यकता नहीं, केवल एक मार्ग है भगवान को पाने का, कोई झगड़ा नहीं बीच में, उसे प्रेम मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग कहते हैं, उपासना मार्ग कहते हैं, अनेक नाम है। आप ये न सोचे कि मैंने तो सुना है एक कर्म योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, एक खोपड़ा योग होता है, ये सब कुछ नहीं। आपने ये भी तो सुना होगा कि उस कर्म से जिसमें भक्ति का प्लस न हो माया निवृत्ति नहीं हो सकती, उस ज्ञान से जिसमें भक्ति प्रमुख न हो माया निवृत्ति नहीं हो सकती, तो फिर कौन बचा, केवल भक्ति मार्ग। अनंत वेद, अनंत शास्त्र पुराण, धर्म ग्रंथ, संत पंथ को जानकर क्या होगा। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्।
आप लोग जितना सुनेंगे जितना पढ़ेंगे उतने कंफ्यूज्ड होंगे, क्योंकि आचार्यों की बोलने की भाषा बड़ी विचित्र है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप लोग जितने यहां बैठे हैं सब नास्तिक हो जाएं। शब्दों में इतना बड़ा डेंजर है, शास्त्रों वेदों में, और हम वेदों के द्वारा बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आजकल पच्चू बोलेंगे। मैं बोल चुका हूं एक बार विद्वानों की सभा में, एक दिन मैंने केवल ये बताया कि वेद और गीता के समान गलत किताब न कोई थी न है न बनेगी, और विद्वानों को चैलेंज किया कि जिसको इतराज हो कल आकर हमारी बात को असिद्ध कर दे। कोई नहीं आया तो मैंने कहा आज मैं सिद्ध करता हूं कि वेद और गीता के समान किताब श्रेष्ठ न कोई थी न है न बनेगी। तो ये शास्त्र वेद के विषय शब्द जाल है, इन शब्दों में क्या गंभीरता है, क्या सेंस है, ये जानने की योग्यता मानव में नहीं है, केवल भगवान में है, या भगवत प्रदत्त बुद्धि युक्त महापुरुष में है। थ्योरेटिकल मैन कितने बड़ा विद्वान हो, सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी पाले, फिर भी कुछ नहीं समझ सकता। खिद्यति धीर विदामी हो, अरे सरस्वती की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है जब भगवत विषय में, तो जनसाधारण की कौन कहे। इसलिए तमाम सुनना पढ़ना सोचना विचारना बंद कर देना। एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग, बस कोई झगड़ा नहीं, कोई प्रपंच नहीं। अगर कोई बहुत शास्त्र का ज्ञाता होगा और तमाम लंबा चौड़ा लेक्चर देगा तो अंत में यहीं यहां पर आकर उसका स्टॉपेज होगा, अतएव केवल भक्ति ही उपादेय है। तो इतना घूम कर उल्टा प्राणायाम करने के बजाय सीधे सीधे नाक पकड़ लो। आप लोगों ने यह भी सुना होगा हमारे छात्रों से कि या तो किसी घोर मूर्ख अपड़ गवार का उद्धार जल्दी हो जाता है, और या तो यश्च बुद्धे परंगतः, समस्त शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके और फिर उसको उठाकर फेंक दे और अपने को महामूर्ख एडमिट कर ले हृदय से। आप लोग जानते होंगे जिन्होंने बड़ा अध्ययन किया होगा कि हमारे भारत में हिंदू संस्कृति में 99.9% संत जो हुए हैं सब बेपढ़े लिखे। इन्हें गिने जो आप सुनते हैं जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु, ये इन्हें गिने हैं, बाकी सब भोले भाले अंगूठा छाप, स्त्री हो या पुरुष हो, सबका इतिहास पढ़ लो, क्योंकि उनमें विश्वास करने की शक्ति है। और जहां पांडित्य होता है वहां डाउट एक बीमारी बन जाती है, शंका। इसलिए वेद कहता है पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत। ये पांडित्य जो तुम प्राप्त कर लो उसके बाद उसको उठा के भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, नहीं तो ये पांडित्य अहंकार को बढ़ाएगा और अहंकार रहेगा तो शरणागति का ये विरोधी है। तुम कुछ न पा सकोगे और हानि हो जाएगी लाभ के स्थान पर। वृंदावन में एक बार हित हरिवंश समस्त भारत के दिग्विजयी विद्वान थे, उन्होंने सारी विद्वत्ता को यमुना में फेंक करके राधा कृष्ण की भक्ति प्रारंभ की। इनके कुछ ही दिन बाद एक और बहुत बड़े विद्वान
दिग्विजय करके आए व्यास, वो भी महारसिकों में है। तो वो हित हरिवंश को शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने चैलेंज किया। लोगों ने कहा भाई अगर एक दिग्विजयी विद्वान है तो दूसरा अगर बनना चाहता है उसकी लाइफ में तो उसको प्रथम दिग्विजयी विद्वान को परास्त करना होगा, तब माना जाएगा। तो व्यास वृंदावन पहुंच गए। हित हरिवंश खाना बना रहे थे, व्यास ने कहा कि आप हित हरिवंश हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। कहिए क्या सेवा करें, भोजन प्रसाद कुछ? नहीं नहीं प्रसाद प्रसाद नहीं, मैं तो शास्त्रार्थ करने आया हूं। हित हरिवंश ने कहा कि भाई शास्त्रार्थ तो उससे किया जाता है जो शास्त्र का अर्थ जानता हो। तुमसे क्या शास्त्रार्थ करें, तुम शास्त्र का अर्थ जानते ही नहीं हो। वेद शास्त्र में क्या लिखा है ये तुम जानते ही नहीं हो, तो तुमसे शास्त्रार्थ क्या करें। अरे कोई दारा सिंह किसी टीबी के मरीज को चैलेंज करता है भला कहीं? अरे भैया हमारे तो जीने के लाले पड़े हैं, थर्ड स्टेज में हमारी टीबी है, आप हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं, हम तो एक झापड़ भी नहीं सह सकेंगे। व्यास को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा आप कैसे कहते हैं कि मैं शास्त्रार्थ नहीं जानता। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब तमाम झगड़ाबाजी ठीक नहीं है, हम तो वृंदावन में राधे राधे करने के लिए हैं। ऐसा करो तुम कागज पेन ले आओ। व्यास ने कहा कि कागज और पेन से शास्त्रार्थ होगा? अरे शास्त्रार्थ तो ऐसी वस्तु है, एक घंटा लगे, एक दिन लगे, एक महीना लगे, एक साल लगे, जीवन बीत जाए और शास्त्रार्थ समाप्त न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो लिख लिख के शास्त्रार्थ कैसे पूरा होगा? नहीं नहीं व्यास तुम समझे नहीं, मैं कागज पेन तुमसे मंगा रहा हूं इसलिए कि मैं लिखे देता हूं कि तुम जीत गए मैं हार गया, तुम भाग जाओ यहां से। हमारा ये राधा कृष्ण के चिंतन में तुम डिस्टर्ब न करो, हमारा एक क्षण मूल्यवान है। व्यास आश्चर्यचकित कि दिग्विजयी पंडित होकर के बिना शास्त्रार्थ किए ये कह रहा है कि मैं तुमको लिख देता हूं तुम जीत गए मैं हार गया, बस भाग जाओ, दिखा देना सबको सारी इंडिया से लेके गोलोक तक। तो व्यास जब कुछ नहीं बोले, हरिवंश ने कहा देखो बेटा मैंने तुम्हें कोई अपमानित नहीं किया, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि अगर तुम शास्त्र का अर्थ जानते तो आलोड्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास जिन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदांत बनाया, 18 पुराण बनाए, भगवान के अवतार भी हैं, उन्होंने कहा मनुष्यों तुम्हारी बुद्धि इसे ये अगम्य है कि तुम सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लो। अरे तुम पढ़ भी नहीं सकते, किताब के पन्ने पलटने में आयु बीत जाएगी, इतना अंबार है। मैंने सब देखा सुना समझा मंथन किया है इसलिए मैं दोनों हाथ उठाकर कह रहा हूं बस भगवान का ध्यान करो, यही लिखा है शास्त्रों वेदों में और कुछ नहीं लिखा। तो अगर तुम व्यास शास्त्र का अर्थ जानते होते तो तुम दूसरे को अपमानित करके अपने अहंकार को बढ़ाने का ये बदपरहेजी वाला काम करते, ये तो और तुम नीचे गिरे जा रहे हो। साधारण लोग भी तुमसे उच्च कक्षा में हैं क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते कि मैं दिग्विजयी पंडित हूं, सारे भारतवर्ष को मैंने जीता है, ये अहंकार तो नहीं है उनमें। व्यास वहीं शरणागत हो गए हित हरिवंश के, ब्रजरसिक लोग जानते हैं उनको। तो शास्त्र वेद जितने भी बने हैं सबका एक ही कहना है
भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। एक सूफी फकीर कहता है, वेद अवस्था अल कुरान इंजील नीज तावो बुतखानो आतशकदा। अरे मैंने सब वेद पढ़ा है। दूसरे फकीर ने कहा, अरे तू मुहम्मदन है, तू वेद को क्या जाने? अरे तुम नहीं जानते, सब वेद मैंने पढ़ा है और सब कुरान मैंने पढ़ा है और सब इंजील मैंने पढ़ी है और सबको मैंने एडमिट कर लिया है और मंदिर को भी अपना लिया, मस्जिद को भी अपना लिया, गिरजाघर को भी अपना लिया। क्यों? इसलिए कि मैंने खुदा से प्यार कर लिया, मोहब्बत कर ली। यही तो लिखा है तुम्हारे वेद में, तुम्हारे कुरान में, तुम्हारे बाइबल में, और क्या लिखा? हमने जब प्यार कर लिया तो मान लिया वेद, जो हमसे खुश हो जाएगा वेद, हाँ हाँ इसने हमारी बात समझ ली और मान ली, कुरान भी खुश हो जाएगा, कोई नाराज नहीं होगा हमसे। तो शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त करने का अभिप्राय यह है कि भगवान से प्यार करे। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, आप लोग जानते हैं। भगवान ने उनसे कहा, क्यों तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया? हाँ हाँ क्यों नहीं कर लिया। सखा थे, रुआब में बोलते थे श्री कृष्ण से। तो उन्होंने कहा, सुनो, ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमान भक्ति भावता भागवत। तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो गए ना, हाँ अब मुझसे प्यार करो। अगर कोई जान ले किसी को, ये मेरा है, तो फिर प्यार ना करे ये गलत, इम्पॉसिबल। जैसे मान लो कोई बाप बेटे हैं, किसी बाप ने बेटे को झापड़ लगा दिया किसी गलती पर, बेटा रूठ कर चला गया बाहर छोटी सी आयु में, और कहीं नौकरी वोकरी होटल वगैरह में करके, और फिर उसके बाद कहीं दलाली वलाली करके, फिर उसके बाद फिर विशेष बिजनेस में रुपया रुपया कमा के करोड़पति बन करके लौटा कि अपनी जन्मभूमि में जाएंगे। पहले उसका विचार था कि अब हम मरने के बाद भी नहीं आएंगे यहां, हमको हमारे बाप ने मारा है। लेकिन विवेक आता है मनुष्य को, सदा अविवेक नहीं रहता। सद्बुद्धि आई, उसने कहा पिताजी के दर्शन करिया में, वो भी चला। पिता भी हाफ मैच सा हो गया था, पुत्र के वियोग में एक ही पुत्र था। एक धर्मशाले में अचानक ऐसा संयोग हुआ कि पुत्र भी उसी में आया और पिता भी उसी में आया, दोनों बगल बगल के कमरों में ठहर गए। तो चूंकि पिता दुखी था इसलिए अंड बंड बोला करता था, कभी रोए कभी कुछ बोले, और बेटा करोड़पति हो गया था और जुआ अवस्था थी, वो बाहर निकलकर डांटने लगा, ओ बुढ़े नींद में डिस्टर्ब करता है, ऐसे पागलों को धर्मशाला में ठहरा देते हैं लोग, कहां मैनेजर, बुला उसको, उसको निकाल बाहर करें। अस्त दोनों में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई और ए आउट हो गया कि ये दोनों बाप बेटे हैं। आउट होते ही वो गुस्सा तो खैर चला ही गया, लिपट कर दोनों रोने लगे। देखिए जहां इतनी दुश्मनी थी वहीं जानते ही प्यार हो गया इमीडिएटली। अगर कोई कहे मैंने भगवान को जाना है 10%, तो 10% प्यार हो गया होगा, नहीं प्यार तो नहीं हुआ तो तुमने नहीं जाना, सिद्ध हो गया, बकवास करते हो। जानने का मतलब मानना, जानने का मतलब मानना होता है। अगर नहीं माना तो फिर क्या जाना?
दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतं जगत। दृष्ट्वा देख रहा है मनुष्य, माँ से क्या मिला, बाप से क्या मिला, बेटे से क्या मिला, बीबी से क्या मिला, पति से क्या मिला, दोस्तों से क्या मिला, सब स्वार्थ का कच्चा चिट्ठा मिला। फिर क्या सोचा? सोचा कुछ नहीं। क्यों? अरे सोचना चाहिए ना, तुम मनुष्य हो, ज्ञान प्रधान योनि में बैठे हो, देव दुर्लभ शरीर पाए हो, किस लिए पाए हो, क्या उपयोग कर रहे हो उसका? मृत्यु पर्यंत भी कभी न सोचा एक क्षण को भी। ये सब हमारे नहीं है, बिल्कुल हमारे नहीं है, 0.1% भी इनसे हमारा काम नहीं बनेगा, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, और हम स्वार्थ से ही संबंध रखते हैं, ये हमारा नेचर। जहां जहां आपके मन का अटैचमेंट है केवल स्वार्थ से है। ये भी आप लोग बहुत बार सुने हैं, डिटेल में समझे हैं। एक आश्चर्यजनक घटना है, अनंत जन्म तक धोखा खाने के बाद भी हम वहीं जाते हैं। और लोक में ये कहावत प्रख्यात है कि बिल्ली यदि एक बार गर्म दूध में जल जाए उसका मुंह, तो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीती है। अब तुम अनंत बार जल कर भी फिर वहीं जाते हो। और अगर कोई कह दे कि श्रीमान जी वैसे आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन जरा आपका एक स्क्रू ढीला है, केवल एक सिंगल, क्या क्या कहा आपने, स्क्रू ढीला है, हेलो, कहते ही ढीला हो गया और अधिक, क्योंकि क्रोध आ गया ना। क्रोध का मतलब क्या होता है? अपनी हानि। अरे तुम तो स्वार्थी हो ना, हाँ, तो क्रोध करके अपनी हानि क्यों कर रहे हो? अरे कौन समझदारी की बात है, तुम तो स्वार्थी हो। हाँ जी, हम तो मतलबी है। अरे चार बाग मतावलंबी हो, चलो मान लिया, तो स्वार्थी का मतलब तो ये होता है ना कि अपना नुकसान न करे। हाँ, और तुम तो क्रोध कर रहे हो, शरीर का भी नुकसान होगा, मेंटल भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, सब प्रकार का लॉस कर रहे हो तुम अपना। हाँ हाँ, क्यों कर रहा हूं ये पता नहीं, हमने कुछ डिसीजन नहीं लिया अभी तक। सुना बहुत, पढ़ा बहुत, सोचा बहुत, खाक पढ़ा, खाक सुना, खाक सोचा। जब निश्चय नहीं है तो फिर क्या आपका परिश्रम व्यर्थ है? तो इस प्रकार केवल भगवान से प्यार करना यही एक कर्म है, यही एक ज्ञान है, यही एक धर्म है। युधिष्ठिर ने भी श्री पितामह से सरसैया पर प्रश्न किया, महाराज तमाम शास्त्र वेद से तो हम थक गए, संक्षेप में ऐसी कोई चीज बताइए कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है क्या? तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोधिकतमो मतः, यद् भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चे नरस्तदा। महाभारत, तमाम धर्म भ्रम में डालने वाले हैं, और तुमको तो भ्रम मिटाना है ना। भ्रम माने माया, जिसके कारण आनंद प्राप्ति से वंचित हो। तो केवल पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण में मन का लगाव कर दो, सरेंडर कर दो, शरणागत कर दो, उनकी भक्ति करो, बस इसके अतिरिक्त कोई धर्म ही नहीं होता। धर्म माने आप जानते हैं, धर्म माने होता है धारण करने योग्य, धारण करने योग्य। जैसे आप लोग शरीर के लिए धारण करने योग्य
आटा दाल चावल सब रखते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। क्यों? वो शरीर चलाने के लिए, शरीर को धारण करने योग्य है वो सब सामान। ऐसे ही इस आत्मा का जो स्वरूप है असली, उसके धारण करने का सामान क्या है? स्पिरिचुअल खाना क्या है? कुछ नहीं, और कहीं नहीं सोचना, बस श्री कृष्ण को धारण करो, यही धर्म है। क्योंकि तुम श्री कृष्ण के दास हो, तुम्हारा धर्म है अपने स्वामी को धारण करना, सीधा सीधा हिसाब है। इसके अलावा अगर कोई और कुछ धारण करने को कहे तो समझ लेना उसके चारों स्क्रू ढीले हैं, एक नहीं। वेद व्यास कहते हैं स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर, सकर्ता सर्वधर्माणाम, सकर्ता सर्वधर्माणाम, जो भक्तस्तव केशव, और सकर्ता सर्व पापानाम, यो न भक्तस्तवाच्युत। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति की वो समस्त धर्मों को कर चुका, सारे धर्म उसको नमस्कार करेंगे, अब उसे कुछ नहीं करना। अरे देखो, संसार में एक गवर्नर का पीए होता है, प्रेसिडेंट का पीए होता है, प्राइम मिनिस्टर का पीए होता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, कलेक्टर, कमिश्नर सब उसको सलाम करते हैं, खुशामद करते हैं। वो गवर्नर तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, अरे पीए तो है, उसका आदमी है। हाँ, उसका आदमी है। तो भगवान का आदमी जो बन जाए, उसके खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज, ब्रह्मा, शंकर किसी में नहीं है। आप जानते हैं, जब नृसिंहावतार हुआ था और हिरण्यकश्यपु को मार दिया नरसिंह भगवान ने, तो ब्रह्मा, शंकर वगैरह सब थे वहां। इन लोगों ने मीटिंग की, अरे भाई भगवान हमारे मृत्युलोक में आए हैं, इनका अभिनंदन करना चाहिए, कुछ थैंक्स देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, हम लोगों का इतना बड़ा काम किया इन्होंने, एटिकेट कहता है ऐसा। तो ब्रह्मा शंकर से कहे, तुम जाओ, तुम तो सृष्टि संहार करने की शक्ति रखते हो, जाओ ना, है तुम जाओ, तुमने सृष्टि की है। अरे विष्णु तुम जाओ, तुम तो रक्षा करने वाले हो सारी सृष्टि की। एक दूसरे को ठेल रहे हैं कि तुम पहले चलो, आगे आगे, तो पीछे पीछे हम चलेंगे। इतने भयभीत हैं ये लोग, इंद्र, वरुण, कुबेर, जमराज की कहां गिनती है, किसी का साथ नहीं हुआ। लक्ष्मी के पास गए कि हमेशा चरण दबाया है तुमने, आज तो ये काम करा दो हम लोगों का, आगे आगे तुम चलो मां, पीछे पीछे हम लोग चलते हैं। लक्ष्मी कहती है, ना मेरा तो शरीर कांप रहा है इनको देख करके। अंत में जो नरसिंह का आदमी था, उनका आदमी, पर्सनल आदमी जो था, उसने इन लोगों को घबराते हुए देखा, उसने कहा, इधर आओ सब लोग, मैं चलता हूं आगे आगे। प्रहलाद, सब दंग रह गए, छोटा सा बालक, अरे मामूली शेर को भी देख ले अगर सामने खड़ा हुआ कोई पहलवान तो कांपने लगे, और भगवान का जो शेर का स्वरूप बना है उसको देखकर प्रहलाद मुस्कुराते हुए कह रहा, आइए आइए, आप लोग क्यों डर रहे हैं, ये तो हमारे प्राण बल्लभ है, हमारी आत्मा के जीवन दाता है, ये भक्षक नहीं है, रक्षक है, क्यों डरते हो। ये प्रहलाद की स्थिति। और जब गए तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, प्रहलाद के चरण को अपने हाथ पे रखा और एक हाथ सिर के ऊपर, और क्रोध समाप्त, आनंद के आंसू बह रहे, नाचने लगे।
इतना प्यार करते हैं भगवान अपने आदमी से, फिर औरों के विचारों की क्या हिम्मत है जो कोई उंगली उठावे। बहुत से आप लोगों ने कथाएं सुनी है अम्बरीश वगैरह के, जानते हैं आप लोग। इसलिए जिसने भगवान की भक्ति की, सब धर्म का पालन कर लिया, और जिसने भगवान की भक्ति नहीं की और सब कुछ किया, ध्यान दीजिए, और सब कुछ किया, बड़ा वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, तपस्या किया, योग किया, बड़ी बड़ी साधनाएं की, नई सृष्टि बना सकता है विश्वामित्र की अवस्था पर पहुंचकर, नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने, धिक्कार है इस तपस्या पर और इस चमत्कार पर। भक्त लोग लात मारते हैं इसके ऊपर, दृष्टिपात तक नहीं करते ऐसे कर्म पर, वो पाप है सब, उसको पाप कह रहे हैं वेद व्यास। इसीलिए पद्म पुराण में वेद व्यास ने कहा, मन निमित्तं कृतं पापं मद्धर्माय च कल्पते मामनाधृत्य धर्मोपि पापं स्यान् मत् प्रभावतः। आय मनुष्यो, मेरे निमित्त किया हुआ पाप भी धर्म हो जाता है और मुझको छोड़कर किया हुआ धर्म भी पाप हो जाता है। तो आप लोग समझ गए धर्म क्या है? बस एक उत्तर, भगवान की भक्ति। इसलिए धर्मो मद भक्त कृत प्रोक्त, वेद व्यास ने तो इतना डिटेल में लिखा है, वासुदेव परावेदा, जितनी भी वस्तुएं हैं कर्म धर्म ज्ञान तपश्चर्या, सब वासुदेव परक हैं। अगर वासुदेव परक नहीं है तो सब ऐसे हैं जैसे जीरो में गुणा करे कोई, एक लाख से, एक करोड़ से, एक अरब से, तो जवाब क्या आएगा? जीरो। जीरो में एक करोड़ बार गुणा करने का इतना बड़ा लेबर किया, परिश्रम किया, परिणाम जीरो आया। उसी प्रकार कोई भी धर्म कर्म, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से, एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभि सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा वेश्यते यथा। उद्धव, ये योग शब्द सुनते हो ना? योग मार गए कोई? हाँ सुना है महाराज, अष्टांग योग होता है। अरे अष्टांग फष्टांग नहीं गधे, योग का मतलब होता है समस्त विश्व से, समस्त वस्तुओं से, समस्त वृत्तियों से मन को हटाकर केवल मुझ में लगा दे, इसका नाम योग होता है। योग माने जुड़ जाना, मन का मनमोहन से जुड़ जाना, ये योग है। श्याम सुंदर कौन है ये जान लो, यही ज्ञान है। श्याम सुंदर की सेवा कैसे की जाए ये जान लो, यही कर्म है बस। और कर्म धर्म नहीं होता कुछ, अगर होता है तो वो माइक है, बंधन कारक है, 84 लाख में घुमाने वाला है, चाहे लौकिक कर्म हो, चाहे वैदिक हो, चाहे मृत्यु लोक का फल देने वाला हो, चाहे स्वर्ग लोक देने वाला हो। कर्मणाम परिणामित्वादा विरिंचाद मंगलम, ब्रह्म लोक तक आप तो पहुंचा देगा, उससे क्या होगा? आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, फिर लौट कर आओगे हीन तरंबा विशंति, कूकर सूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकोगे, ये मानव देह का चांस भी मिस कर जाओगे। अतएव बस एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। अथात आनंद दुघं पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरविंद लोचन, भागवत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं,
अरे परमहंसों के दादा लोग यहीं पर आके नाक रगड़ते हैं, पहले ही रगड़ लो ना। कौन सा परमहंस ऐसा हुआ है जो श्री कृष्ण भक्ति के बिना माया से उत्तीर्ण हुआ है? न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान प्राप्त करके भी कोई माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ये निरंजन ज्ञान क्या होता है? एक अंजन ज्ञान होता है, एक निरंजन ज्ञान होता है। निरंजन ज्ञान का मतलब है निर्लेप अवस्था पर पहुंच जाना। पहली अवस्था है ज्ञानियों की तत्त्वमसि, दूसरी अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि। तो ये दूसरी जो ऊंची अवस्था है अहम ब्रह्मास्मि, इसमें ज्ञाता रहता है, ज्ञेय रहता है, ज्ञान रहता है, त्रिपुटी रहती है। और निरंजन ज्ञान इससे ऊपर है, उसमें ज्ञाता नहीं रहता। मैं अहम ब्रह्मास्मि में अहम खो गया, अब क्या बचा? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, इतना बचा। और जब ज्ञाता चला गया तो ज्ञे भी गया। जब जानने वाला खो गया तो जिसको जानना है वो भी गया, और जो ज्ञान है वो भी गया। ये त्रिपुटी का लय हो जाता है। एक ऐसी अवस्था होती है ज्ञानियों की, ये अंतिम अवस्था। इसकी बड़ी तारीफ करते हैं ज्ञानी लोग, लेकिन बेचारे बड़े भोले हैं, उन पर गुस्सा न करो, दया करो। ऐसा जो निरंजन ज्ञानी है, उसने क्या कमाल किया? जल तेज वायु आकाश चार, इसके बाद अहंकार पांच, इनको क्रॉस कर गया, लंग गया। अभी दो और है उसके आगे, महान फिर प्रकृति माया। ये सृष्टि का जो क्रम है ना, भगवान से प्रकृति, प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से फिर जगत। तो अहंकार का भेदन तो कर लिया उसने, अहम मिटा दिया, लेकिन अभी महान और उस महान की दादी माया, ये दो बचे हैं। इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन, फिर गिरेगा मरेगा। मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं है अभी। मोक्ष के लिए तो बस एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम पश्यति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, वेद कह रहा है। अर्जुन तूने मेरा दर्शन कर लिया? हाँ महाराज कर लिया। देख ये दर्शन जो मेरा तूने किया है, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्यया, ये किसी भी साधन से मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता कोई। करोड़ों कल्प तप करे, वायु पी के भी न रहे, बिना वायु के भी रह ले, लेकिन मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता। नमाम साधयत योगो न सांख्यं धर्म उद्धव, कोई मार्ग नहीं। हाँ ठीक है, किसी ने रुपया कमाया है तो ये कह सकता है हम कोठी बनवा लेंगे, हम कार खरीद लेंगे, हवाई जहाज खरीद लेंगे। हाँ ये सब तो कर लोगे, तुम आनंद नहीं पा सकते, दुख निवृत्ति नहीं होगी। हाँ वो तो नहीं होगी, फिर क्या लाभ क्या हुआ है सब कमाने से तुम्हारे? और टेंशन बढ़ गया तुम्हारा, तुमने तो मुसीबत मोल ले ली। अरे तुमने ये सब क्यों किया था? खूब पैसा हो जाए, एक करोड़, दो करोड़, चार करोड़, एक अरब, तो फिर क्या होगा? तो फिर आनंद से सोएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे,
निश्चिंत सब उल्टा हो गया है तो। हाँ उल्टा हो गया, लेकिन ये है कि अभी 1 करोड़ है, अगर 2 करोड़ हो जाए तो निश्चिंत हो जाए। अरे यही करते करते तुम्हारे अनंत जन्म बीत गए, तुमको पता नहीं है कि तुम अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र बन चुके हो। तुम्हारे अंदर में थे यमराज वगैरह, तब तो प्यास बुझी नहीं, अब 1 करोड़ 1 अरब और 1 खरब में तुम सोचते हो कि हम निश्चिंत हो जाएंगे। बड़े भोले, भोला माने भोर मूर्ख, मामूली मूर्ख हो तो उसका सुधार भी हो सकता है, घोर मूर्ख का सुधार नहीं हो सकता है। तुलसीदास जी हार गए, उन्होंने कहा कि मूरख हृदय नचेत यदि गुरु मिलई बिरंची सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी अगर मिल जाए किसी को तो भी मूर्ख का उद्धार नहीं हो सकता, ऐसा मूर्ख। श्रीमद वक्र नकीन के ही ये संपत्ति का अहंकार इतना भयानक है कि भगवत प्राप्त महापुरुषों को छोड़कर कोई भी ऐसा विश्व में न था न है न होगा जो मरांध न हो जाए। नहीं को आस जनमा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अरे 1-2 लाख में लोग सीना तान के चलने लगते हैं, फिर जो अरबपति वगैरह होंगे उनका क्या हाल होगा। एक कूड़ा कबाड़ा आप लोगों का जो शरीर है, इसी को शीशे में देखकर जब आप बड़े विभोर होते हैं तो फिर उर्वशी मेनका को देखेंगे तो क्या हाल होगा। यानी इन छोटी छोटी बातों में ही हम अहंकार किए बैठे हैं, और जिसके पास बड़ी पावर कोई हो जाए फिर वो अहंकार करे तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप लोग एग्जाम्पल देते हैं, रावण अहंकारी था। रावण कौन सा अहंकारी था जी? एक भगवान है, उसके सर्वेंट है सब, सूर्य चंद्र जमराज। दूसरा भगवान रावण भी है, सब उसके यहां सर्वेंट है सूर्य चंद्र जमराज। अगर रावण कहता है मेरे समान कोई नहीं है, क्या गलत कहता है? छपानाथ लीने रहे क्षत्र जा को। अरे जिसकी ये शक्ति है, सूरज हमारे यहां टेम्परेचर 45 के ऊपर नहीं होगा, खबरदार। हमारे यहां ऐसा ही होगा, हमेशा पूर्ण चंद्र खिला रहेगा, ऐसा ही होगा। वो उसको आप अहंकारी कहते हैं। अहंकार तो हम लोग करते हैं जिनके पास नथिंग है, वो भी ऐसे गुर्राते हैं। हम एक महात्मा जी के पास गए, उन्होंने हमको डांट दिया, ऐसे कैसे महात्मा, हम तो चले आए, हमें अश्रद्धा हो गई। क्यों? इसलिए कि हमारे पास 1 करोड़ था। अरे 1000 बरस नाक रगड़ो और महात्मा डांटे फिर भी जाओ तब कुछ पाओगे, ये तुम्हारा 1 करोड़ तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है, होश में आओ। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था भगवान से, असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। वेद व्यास ने बहुत सोचा कि इन संपत्ति वालों का उद्धार कैसे होगा, नहीं हो सकता, हार गए, नहीं हो सकता। हां अगर कभी ये सौभाग्य हो इनका कि वो धन ये सही पात्र में दान कर दें और दरिद्र बन जाएं तब उद्धार हो सकता है, दारिद्र्यम परमंजनम, अन्यथा असंभव है। हां भगवत प्राप्ति कर लीजिए, उसके बाद तो फिर 30,67,20,000 वर्ष तक प्रह्लाद ने सारे विश्व का राज्य किया। कितना लंबा शासन था उनका, 30 करोड़ 67 लाख
20,000 वर्ष तक और एक बार ऐसा चांस आया भी कि उनकी परीक्षा ली जाए तो एक उनके प्रह्लाद के गुरु के पुत्र थे और प्रह्लाद के पुत्र थे विरोचन, दोनों में किसी बात में होड़ लग गई और होड़ लग गई प्राण की, कोई मामूली होड़ नहीं। अगर मैं हार जाऊं तो मेरा प्राण तुम्हारे हाथ और अगर तुम हार गए तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। ठीक, बच्चे ही हैं, शर्त लगा लिया, लेकिन फैसला कौन करेगा, जज कौन बनेगा? तो गुरु पुत्र ने कहा आपके बाप प्रह्लाद। तो विरोचन ने कहा मेरे पिता अगर फैसला मेरे पक्ष में कर देंगे तो तुम कहोगे पक्षपात किया। तो जज तो एक तीसरा होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारे पिता ने यानी प्रह्लाद के गुरु ने अपने बेटे को ये बता रखा था कि प्रह्लाद कभी पक्षपात नहीं कर सकता, उसके ऊपर माया हावी हो ही नहीं सकती, एक बार भगवत प्राप्ति होने से तत्काल अनंत काल को माया समाप्त हो जाती है, फिर उसके सामने स्थातुमीक्षा पथे मुया, सामने नहीं खड़ी हो सकती, हमला क्या करेगी? जैसे प्रकाश के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सकता, अरे खड़ा तो हो जाए कंपटीशन में, हार जाएगा कोई बात नहीं, नहीं जी वो खड़ा ही नहीं हो सकता। अस्तु, प्रह्लाद ने फैसला दे दिया अपने बेटे के विरुद्ध और ऑर्डर दे दिया विरोचन को फांसी पर लटका दिया जाए, और उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में पहले थे उसी मुद्रा में मुकदमा सुनते समय उसी मुद्रा में फैसला देते समय जरा भी शिकन नहीं, न भीतर न बाहर, एक सी अवस्था। तो अब जब फिर प्रश्न आया, गुरु पुत्र ने कहा विरोचन से अब तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ, उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पिता ने फैसला कर दिया अब, किंतु परंतु कैसा, मैंने पहले ही कह दिया था। फिर गुरु पुत्र ने कहा प्रह्लाद तुम हमसे बड़े हो कि छोटे हो? उन्होंने कहा महाराज हम आपसे छोटे हैं, तो हमारी आज्ञा तुमको मानना होगा। लगाओ स्वीकार, अगर आप कहें तो मैं भी फांसी पर लटक जाऊं, जैसे मैंने पुत्र को फांसी पर लटकने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है इसको छोड़ दो, तुम्हारा एक लौता बेटा है यही तो राजा बनेगा तुम्हारे बाद, संपूर्ण विश्व को संभालना है, इसलिए मैं रिहा करता हूं, दया करता हूं, छोड़ दिया। प्रह्लाद को फिर देखा उसी मुद्रा में, गया तो ठीक, रहा तो ठीक। ये भगवत प्राप्ति के बाद अवस्था आएगी, उसके पहले असंभव। कोई कहे कि मेरे तो सब कुछ है लेकिन मुझे तो कोई अहंकार नहीं, ये कौन कह रहा है? जिसके पास है कुछ वो कहता है मुझे अहंकार नहीं, ये कौन कह रहा है? बुद्धि। अहंकार किस पर है? बुद्धि पर। तो बुद्धि अपने खिलाफ फैसला देगी क्या? आप लोग जब अकेले में सोचते हैं मैं कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अरे किससे पूछ रहे हो? जो तीन गुण के अधीन है बुद्धि, उसी बुद्धि से पूछ रहे हो? बुद्धि देवी तो अपने मुआफिक ही फैसला देंगी, अपने विरुद्ध कैसे देंगी? अपने विरुद्ध तो गुरु दे सकता है, और किसी का साहस नहीं विश्व में। माँ बाप भी नहीं दे सकते, वो भी डरते हैं ऐसा कह देंगे तो नाराज हो जाएगा, तो फिर हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। एक बार भगवान राम ने अयोध्या में प्रवचन दिया, तो प्रवचन देने के बाद पब्लिक ने कहा तुम बिन अस सिख
दे न को मात पिता स्वार्थ रत ऊ। जहां जरा भी स्वार्थ का टच है वहां किसी भी प्रकार न्याय नहीं हो सकता, वो गड़बड़ी आएगी, चुपके से आएगी। और अगर कोई कहेगा अन्याय किया तो सिद्ध करेगा और जबरदस्ती, मैंने अन्याय नहीं है, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये संसार का वैभव हमारे लिए घोर हानिकर है। इसीलिए कुंती बर मांगती है, महाराज ये भक्ति और गोलोक वैकुंठ में नहीं चाहती, मुझे तो संसार का अभाव दे दो। जनमयी स्वर्ग सुत श्रीभिरे धमान मद अपमान नैवार्हत्य विधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। तुम अकिंचन के हो, और ये किंचन है, जहां किंचन आ गया वहां मैं भी कुछ हूं ये आ गया। अतृणादप सुनी चेन तरोरप सहिष्णुना, दीनता के आधार पर शरणागति है, भक्ति है, सबका महल खड़ा है, आधार है दीनता। वही छिन गई तो फिर क्या बचा, फिर तुम मुंह से कीर्तन भजन साधन कुछ भी करते रहो, सब गड़बड़ है। अगर तुम्हारे मन में अहंकार है तो तुम जो कुछ भी कर्म करोगे, संतों के पास गए गलत गए, प्रणाम किया उनको गलत प्रणाम किया, उनके चरण धोकर पिए गलत धो के पिए, मैं कह रहा हूं अजी चारों धाम गया गलत मार्चिंग की तुमने, सब गलत किया, इतना दान पुण्य किया, हां सब गलत किया तुमने। ये जब तुमको फल मिलेगा ना मरने के बाद, तब मालूम पड़ेगा अरे मैंने तो इतना किया और ये उल्टा मिल रहा है हमको दंड। हाँ वो दीनता नहीं थी, अहंकार था। एक भिखारी को दो पैसा भी देते हैं हम लोग तो किस तरह से फेंकते हैं, यानी वो भी भगवान का पुत्र है, तुम भी भगवान के पुत्र हो, और इस भगवान की सृष्टि से तुमने अधिक सामान अपना बना लिया है, ये जुर्म किया है। उसने बिचारे ने अपना नहीं बनाया अधिक सामान, और वो तुमसे दो पैसा मांगता है, अपने बाप की प्रॉपर्टी से मांगता है, तुम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। दो ही पैसा दो लेकिन प्यार से दो ना, है क्या बात करते हो जी मैं अरबपति हूं। अरे कोई पतिवती नहीं हो, जब ये शरीर छूटेगा ना तो एक लाइन में खड़े कर दिए जाएंगे अरबपति और कौड़ीपति और स्वर्ग सम्राट इंद्र सब। एक बहुत बड़े फकीर हुए हैं हजरत जुनेदो, बड़े प्रख्यात, उनकी एक कहानी है बड़ी सुंदर है। एक कोई हाजी साहब थे, हज करके लौटे थे, तो हाजी लोग जरा समझते हैं कि हम कुछ हैं, जैसे चारों धाम करके आप लोगों में से कोई आवे तो सबसे बातें करता है हम चारों धाम गए थे, चारों धाम करी आए, जबरदस्ती बिना पूछे भी बोलेगा। तो उस हाजी से हजरत जुनैद ने पूछा कि तुम जब काबे की ओर चले अपने घर से मक्का मदीना की ओर, तो तुम खुदा की ओर बढ़े ऐसा तुमको महसूस हुआ कि नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुम काबे की ओर गए ही नहीं, तुमको धोखा है। कई पड़ाव होते हैं मक्का मदीना पहुंचने में, उनके नियम है, कायदे कानून है, यहां पड़ाव पड़ा फिर उसके बाद यहां पड़ाव पड़ा फिर उसके बाद यहां पड़ाव पड़ा, कई पड़ाव के बाद फिर काबा पहुंचते हैं। तो जितने पड़ाव पड़े उन पड़ावों पर तुमने ये रियलाइज किया, ये महसूस किया
कि अब मैं खुदा के पास आ गया हूं, अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। कहने मैं तो ऐसे रहा नॉर्मल, तो तुमने पड़ाव किया ही नहीं फिर। अच्छा तुमने अहराम पहना, अहराम कहते हैं ये जो सिले सिलाए कपड़े आप लोग पहनते हैं, इसको निकाल करके बिना सिले कपड़े पहनते हैं जो हज करने जाते हैं मक्का मदीना में, तो वो बिना सिले हुए कपड़े को जो वो ओढ़ते हैं पहनते हैं तो उसको अहराम कहते हैं। तो तुमने वो सिले सिलाए कपड़े छोड़े और बिना सिले ओढ़े, तो उस समय तुमने बुराइयां छोड़ दी सब। क्या नहीं बुराई उराई तो नहीं छोड़ती, तुमने अहराम पहने ही नहीं फिर। वहां एक पहाड़ी है इरफान नाम की, इरफान नाम की पहाड़ी पर खड़ा होकर के आदमी और आंख बंद करके खुदा की इबादत करता है, भगवान को नमस्कार करता है। तो जब तुम इरफान की पहाड़ी पर खड़े हुए थे तो उस समय क्या तुमने महसूस किया कि अब मैं खुदा के यहां पहुंच गया हूं, अब दुनिया मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम इरफान की पहाड़ी पर खड़े नहीं हुए, इसका मतलब वहां दो पहाड़ियां हैं, सफा और मरवा। तो सफा और मरवा पहाड़ियों पर तुम दौड़े होगे, ये सब बता रहा हूं, कायदा है जो हज करने जाता है सबको करना पड़ता है। तो सफा और मरवा पहाड़ियों में जब तुम दौड़े, तो सफा माने पाकी, मरवा माने मुरव्वत, दया, ये तुम्हारे अंदर आई, ये तो कोई खास बात नहीं हुई। तो तुम उस पहाड़ी पर दौड़े ही नहीं। अच्छा तुमने वहां एक जो कुर्बानी करनी होती है, तुमने कुर्बानी ख्वाहिशों की, इच्छाओं की कुर्बानी की, इच्छाएं समाप्त हुई कुर्बानी करने के बाद? नहीं, कोई इच्छा समाप्त नहीं, इच्छाएं तो सब वैसी की वैसी है, तो तुमने कुर्बानी की नहीं। तो हज करने में जितने नियम बनाए हैं मोहम्मद साहब ने, अगर इनको ढंग से कोई करता तो खुदा का प्यारा हो जाता, भगवान का भक्त हो जाता, वो भगवत प्राप्ति कर लेता। लेकिन वो नहीं किया, एक्टिंग सबकी। ऐसे ही हम लोग चारों धाम जाते हैं, वृंदावन मथुरा और यहां और वहां, वहां दान कर रहे हैं, वहां प्रणाम कर रहे हैं, वहां सब नाटक कर आते हैं, और लौट के घर आते हैं तो अपने आप को देखते नहीं कहां है, जहां थे वही है। और एक अहंकार और बढ़ गया कि हम ये सब करके आए हैं, ये कमाई करते हैं हम लोग, यानी और गमा देते हैं, लोगों पर दुर्भावना, अपने में उच्च भाव, ये दो बड़े शत्रु हैं। दूसरे को छोटा समझना, अपने को बड़ा समझना, इससे बड़ा कोई अवगुण नहीं विश्व में हो सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। जरा से आंसू आ गए आप लोगों में से किसी को भगवान के लिए कीर्तन भजन में? सब कुछ नहीं है, मेरे आंसू आए, मैं बड़ा हूं। क्यों गड़बड़ करते हो? अगर गुरु कृपा भगवत कृपा से दो आंसू आ गए तो उनकी कृपा मानो, ये तुम्हारी बपौती नहीं है, एक सेकंड में छिन जाएगी। बड़े बड़े साधकों का सर्वनाश हो जाता है, तुम्हारी क्या गिनती है? हमेशा अपने को रीड करो, होशियार रहो, सावधान रहो। जैसे जब किसी शहर में कोई साइकिल से चलता है, कहां जाना है ये भी याद है, पीछे से गाड़ी आ रही है बाएं कर लो, बाएं मोटरसाइकिल जा रही है बीच में रखो, अब खड़ी कर दो भाई, खतरा ज्यादा है। हर समय सावधान रहते हैं, अब जरा सी आपने गड़बड़ की, लापरवाही की, हुआ एक्सीडेंट, आप मर गए, या हाथ पैर टूटा, फ्रैक्चर हो गया,
लेकिन वहां आप सावधान रहते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है आपके मस्तिष्क में, और भगवत विषय का महत्व नहीं समझते आप, अधिक नहीं मानते, इसलिए वहां लापरवाही चल रही। तो केवल भक्ति ही एक मार्ग है, वो हृदय से हो, इंद्रियों से नहीं, हृदय से हो, हृदय से। हाँ ठीक है, इंद्रियां हैं उनको भी लगाए रहो, ये मतलब नहीं मेरा कि तुम कीर्तन बंद कर दो, भजन बंद कर दो, ये सब हेल्पर हैं, सहायक हैं, इनका उपयोग करना है। ये क्यों बनाई गई है? इसीलिए तो बनाई गई है, संग सज्जनाचा उच्चार नामाच घोष कीर्तनाच अहर्निशी, तुकाराम ने कहा। लगे रहो, लेकिन ये समझे रहो, मन को लगाना मेन पॉइंट, उसको न भूलो। मेन चीज को तुम उड़ा दो और बाकी अपना कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, तीर्थ यात्रा हो रही है, जप हो रहा है, पाठ हो रहा है, पूजा सब हो रहा है और सब बाबा लोग यही सिखाते भी हैं आपको, इतना जप कर लो, इतना पाठ कर लो, इतनी रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, वेद का पाठ। अरे क्या अक्षरों को पढ़ते हो? गीता में क्या लिखा है? माम एकम शरणम ब्रज। ठीक, ये कौन कह रहा है? भगवान किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि अर्जुन शरणागत हो जाए। और तुम कह रहे हो माम एकम शरणम ब्रज, किससे कह रहे हो? किससे कह रहे हैं? ऐसे बोल रहे हैं? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, पागल हो क्या? अरे श्री कृष्ण ने ऐसे ही पागलपन में नहीं कहा था, उन्होंने तो अर्जुन से कहा था मेरी शरण में आ जा। तुम किससे कह रहे हो माम एकम शरणम ब्रज? यानी जो कुछ शास्त्र वेद में लिखा है वही तुम बोलो, तो लिखना और बोलना सब बराबर है तो हुआ, उसमें अंतर क्या हुआ? जब तक तुम करो ना, प्रैक्टिकल शरणागत हो, ये कह रहा है वो मंत्र, ये नहीं कह रहा है कि तुम बोलो हम शरणागत हैं। वल्लभ संप्रदाय का यही मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये गुरु मंत्र है उनका, श्री कृष्ण शरणम मम। आप तुम बोले जाओ दिन रात, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अरे ये ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको समथिंग भी नहीं मानता, क्योंकि समथिंग में भी थोड़ा सा तो मन का लगाव होना चाहिए, खाली मुंह से बोले जाओ ये तो साधना नहीं है। साधना का मतलब उपासना शब्द का अर्थ ही होता है मन का भगवान के पास जाना। जैसे आग का एक कुंड है, अब तुम 50 फुट दूर हो और ठंड लग रही है, आगे बढ़ो 10 फुट गए, हाँ कुछ ठंड कम हुई, और आगे बढ़ो 20 फुट गए और कुछ अब टेम्परेचर का फायदा मिल रहा है, और वहीं पर खड़े खड़े तुम अगर 50 फुट की दूरी पर ही ऐसे हाथ करो, कहाँ आ गए हो? आग वाग नहीं है, मैं तो कब से हाथ किए हूं, मेरी ठंड तो नहीं जा रही। अरे तो आग के पास जाओ ना, इस शरीर को आग के पास ले जाओ तो आग का टेम्परेचर तुमको मिलेगा। इसी प्रकार मन को भगवान के पास ले जाओ तो भगवान का लाभ मिलेगा। डरो मत, हमने बड़ा पाप किया है। पाप, ध्यान दीजिए आप लोग, ये पाप शब्द जो आप लोग बोलते हैं, हम बड़े पापी हैं। भगवत प्राप्ति के पहले कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी या गधा ऐसा नहीं है जिसने अनंत पाप न किया हो, और उसके साथ जमा है वो सृष्टि कर देने की शक्ति रखने वाला विश्वामित्र, वो भी अनंत पाप वाला है,
पाप अनंत उसके साथ हैं अब भी। फिर आप कैसे कहते हैं हम बड़े पापी हैं, हम छोटे पापी हैं? अरे एक जन्म का हिसाब न लगाओ, अनंत जन्म के अनंत पाप संचित कर्म के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि भगवत प्राप्ति पर माफ कर दिए जाते हैं, उनको भुगवाया नहीं जाता। ये रियायत, ये दया है भगवान की भगवत प्राप्ति के बाद। तो तुम डरो मत कि मैं पापी हूं, अरे सभी पापी हैं, अनंत पाप हर एक के साथ है। इस जन्म में तुमने पाप नहीं किया ये भी मत बोलो। भगवत प्राप्ति न करने वाला जो कुछ कर रहा है सब पाप ही है, वो तुम समझते नहीं हो पाप किसे कहते हैं। पाप से रहित नहीं है कुछ, लेकिन भगवान जब कहता है हरे नाम नश्च जा शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, अरे सर्व पाप युक्त भी हो, सर्व धर्म बहिर्भूता सर्व पाप रतस्तथा, वो भगवान की शरण में चला जाए तब माफ। जन्म कोटि अघ नाश तब ही ई दरगहे मां दरगहे ना उमेदी नेस्त, सदबार अगर तो बाशिकस्ती भाज आ। एक सूफी फकीर ने कहा अरे ये वो दरबार है खुदा का, तूने अनंत बार गुनाह किया और अनंत बार तोबा किया कि मैं अब या अल्लाह मैं अब दोबारा ये गलती नहीं करूंगा, और फिर किया, लेकिन फिर भी डर मत, अनंत बार तोबा करते हुए प्लस फिर अपराध करते हुए भी अब भी मान जा और सही सही तोबा करके शरण में आ जा। सही तोबा माने वो गलती पुनः ना करो। जैसे आज आप लोग बोलते हैं दुनिया में सारी सॉरी, दिन भर सॉरी बोलते रहेंगे और कोई फीलिंग नहीं है सॉरी क्या हम बोल रहे हैं, क्षमा कीजिए माफ कीजिए, ये मुंह से बोलते जा रहे हैं और भीतर कोई फीलिंग नहीं है कि मैंने गलती की भी है क्या। अजी ये तो बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता है सॉरी, अपने को गलत रियलाइज करें। ये सब हमारे सिद्धांत में नहीं है, ऐसा समझते हैं हम लोग। तो एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, एक ही ज्ञान है, बस केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना। ये समस्त आचार्यों का, समस्त धर्मावलंबियों का मत बता रहा हूं। कुरान शरीफ की अंतिम यही एक आयत है, मा खलक तल इंस वजन इल्ला ले आबदून, है मनुष्यो तुमको ये इंसान का जो देह मिला है ये खुदा से प्यार करने के मिला है। इंसान शब्द आप लोग जानते हैं, उन्स शब्द है अरबी में, उन्स उससे बना है इंसान, जिसका उन्स का अर्थ है प्रेम करने वाला। सलम शब्द से बना है इस्लाम, उसका अर्थ है प्रेम करने वाला, खुदा की इबादत करने वाला। क्रिश्चियनिटी शब्द सुनते हैं आप लोग, क्रिस्टास शब्द से बना है, यानी ईश्वरीय ज्ञान से धौत नहाया हुआ। जितने शब्द हैं सबका वही अर्थ है, लेकिन भीतर से करना होगा, ये बाहरी थियरी में नहीं काम चलेगा। तो श्री कृष्ण भक्ति ही एकमात्र मार्ग है और कोई भी साधन अपेक्षित नहीं है, न जानने की जरूरत है न सोचने की। और उसमें कोई यह भी नहीं है कि श्री कृष्ण भक्ति में या शरणागति में क्या क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, केवल सोचना है
वो तो भाव के भूखे हैं, वहां कुछ करना वरना नहीं है। एक रोमन कैथोलिक कहानी है, किसी गिरजाघर में मरियम की मूर्ति थी, तो तमाम पादरी लोग और आम लोग भी जाते थे और वहां मनौती करते थे मरियम से, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो। एक बाजीगर था, वो अपने बाजीगर का खेल दिखा करके पेट पालता था, फिर भी बेचारे का पेट नहीं भरता था। दिन भर पसीना पसीना हो जाए। उसने कहा, ये सब लोग मरियम के आगे मांगते हैं, हम भी आज मांगेंगे। अरे हमें खाना कपड़ा दे दे, हम और कुछ नहीं मांगते। तो जब सब पादरी लोग मनौती कर करके अपना चले गए, और वो चुपके से कोने में छुपा रहा, और सबके जाने के बाद उसने गेट बंद कर लिया अंदर से, और बाजीगर का खेल दिखाने लगा मरियम को। भोला था, भोला। वो ये नहीं समझ रहा है कि ये कोई पत्थर की मूर्ति है, वो तो साक्षात मरियम समझ रहा है। और अनेक प्रकार के कलाबाजी जो नट लोग करते हैं, उसी गिरजाघर में वो अपना चारों ओर उछल के कूद के कर रहा था, पसीना पसीना हो गया। मरियम भला क्या बोलती, वो तो पत्थर की मूर्ति थी। इधर उसके बार बार उछल कूद से बाहर कुछ आहट आई, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं ऐसे इनके यहां भी होते हैं। तो किसी ने कहा, भाई ये अंदर आवाज कैसे आ रही है आज, कुछ कोई गिरता है कोई उठता है ऐसी कुछ। तो वो छेद से झांक कर जब देखा तो कहा, एक आदमी है इसके अंदर। तो कह तोड़ा गया दरवाजा, और तमाम लोग इकट्ठे हो गए, पादरी लोग भी, और उसकी पिटाई शुरू कर दी कि बदतमीज, तूने गंदा कर दिया गिरजाघर को, और ये क्या कर रहा है यहां, तमाम पसीना फैला दिया यहां पर। पिटाई कर ही रहे थे कि एकदम प्रकाश हुआ और मरियम प्रकट हुई, उन्होंने पसीना पोछा, सब बेहोश हो गए। अरे तो मेरा प्यारा है, इसने विश्वास किया है मेरे पर, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो। तो केवल भाव का भूखा है भगवान, वो कोई बनावट चाहते ही नहीं, कोई तरकीब, कोई जंत्र मंत्र तंत्र, सवेरे 4 बजे उठो कि 6 बजे कि पूरब तरफ मुंह करो कि पश्चिम तरफ करो, इस आसन से बैठो, ये कपड़ा पहनो, नहाओ धो, कुछ कोई मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब है, ये कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।